बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के अवसर पर सभी मतदान पदाधिकारियों, पीठासीन पदाधिकारियों, माइक्रो ऑब्जर्वर, गश्ती दल दंडाधिकारियों, सेक्टर दंडाधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों ने सेक्टर पदाधिकारियों को पहले ही प्रशिक्षण दे रखा है, मतदान पदाधिकारियों, पीठासीन पदाधिकारियों वगैरह को भी हम लोगों ने प्रथम प्रशिक्षण संपन्न कर लिया है। कल अर्थात 12 तारीख से, यानी 12 अक्टूबर से हम लोग पुनः मतदान पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, गश्ती दल दंडाधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण विभिन्न केंद्रों पर देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बार बार प्रशिक्षण, हम लोगों ने पहले भी प्रशिक्षण दे रखा है, प्रथम प्रशिक्षण से पहले सभी पीठासीन पदाधिकारियों का रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया गया था। बार बार प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि छोटी छोटी मिस्टेक हो जाने से चुनाव प्रक्रिया दूषित होने की संभावना बनी रहती है। तो हम लोग एक एक बिंदुओं को बता रहे हैं, खास करके ईवीएम संचालन। अब लोग कभी कभी गलतियाँ कर देते हैं, ईवीएम सही रहता है फिर भी आता है कि ईवीएम खराब हो गया। कारण मुख्यतया ये होती है कि उन्हें उसकी जानकारी नहीं होती है। तो हमारे मास्टर प्रशिक्षक सभी लोगों को एक एक छोटी छोटी बातों की जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से वो जो हमारा ईवीएम में मुख्यतः आता है बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, तो किस तरह से बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को जोड़ेंगे, फिर जोड़ने के दौरान अगर किसी तरह की समस्या आती है तो किस तरह से उसको वो हैंडल करेंगे। अब ये तो हुआ बात ईवीएम का। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सामान्यतः ये होता है कि लोग मॉक पोल के बारे में, कोई कोई जो हमारे कर्मी हैं ध्यान नहीं देते हैं तो उसे मतदान दूषित होने की संभावना रहती है। तो सभी लोग अवगत हैं कि 7 बजे से 6 बजे तक, मतलब 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक मतदान संपन्न होना है, और 7 बजे वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व अर्थात 5:30 बजे ही हमारा मॉक पोल का काम प्रारंभ हो जाना है। तो इस बातों पर हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं कि लोग अवगत रहें ताकि किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो अगर लेट से मॉक पोल प्रारंभ करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमारा वास्तविक मतदान प्रारंभ समय से नहीं हो पाएगा और गड़बड़ी की संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि 5:30 बजे निश्चित रूप से हमारा मॉक पोल प्रारंभ हो जाए। उन्हें यह भी हम लोग बता रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को भी बताया गया है कि आपका एजेंट, जो पोलिंग एजेंट है, निश्चित रूप से वहाँ रहे, क्योंकि अगर उनका पोलिंग एजेंट नहीं रहेगा तो हम लोग 15 मिनट ही इंतजार करेंगे। अगर कम से कम 2 पोलिंग एजेंट, मतलब एक एक अभ्यर्थी के एक एक पोलिंग एजेंट रहेंगे तब तो हम लोग प्रारंभ कर लेंगे। 5:30 बजे अगर 2 उपस्थित हैं तो, नहीं तो 15 मिनट इंतजार करेंगे, और 15 मिनट इंतजार करने के बाद अगर उनका पोलिंग एजेंट नहीं भी रहेगा तब भी हमारे मतदान दल के जो पदाधिकारी हैं वो मॉक पोल प्रारंभ कर लेंगे और करेंगे। बताया गया है कि कम से कम 50 मॉक पोल, मॉक पोल का मतलब छद नकली मतदान, तो 50 वोट डाले जाएंगे। अब संभावना है कि अगर कहीं पर मान लीजिए 17 कैंडिडेट हो गए इंक्लूडिंग नोटा, तो हमको मिनिमम 51 वोट कराना होगा। क्यों? क्योंकि हर एक कैंडिडेट को जो भी हमारा बटन है उस पर 3 वोट डालना न्यूनतम अनिवार्य है। इस बातों की जानकारी हम लोग दे रहे हैं कि आपको ये करना है। मॉक पोल करने के बाद किस तरह से हमें जो हमारा BU है, CU है, VPAT है, किस तरह से हम लोग उस रिजल्ट को क्लियर करेंगे, रिजल्ट मिलान करेंगे कि जो हमारा CU है उसमें जो वोट हमने डाला, जो प्रदर्शित हो रहा है, VPAT की पर्ची निकालेंगे, देखेंगे कि उतने ही वोट उसमें भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद CU को क्लियर किया जाएगा, VPAT की पर्ची को काले लिफाफे में रख करके सील करके हम लोग फिर उसको प्लास्टिक बॉक्स में रखेंगे, फिर उसकी सीलिंग करेंगे। इन सारी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि अगर मॉक पोल के दौरान अगर मान लीजिए कोई मशीन खराब हो गया, या BU खराब हो गया, CU खराब हो गया, VPAT खराब हो गया, तो केवल वही मशीन बदला जाएगा। लेकिन ये बात वार्षिक मतदान प्रारंभ होने के बाद नहीं होगी। अगर वार्षिक मतदान प्रारंभ होने के बाद अगर हमारा BU या CU में से कोई खराब होता है तो हम पूरा सेट बदलेंगे, BU, CU, VPAT। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बदलने का मतलब कि उसको लेकर मॉक पोल के दौरान अगर मान लीजिए कोई मशीन खराब होता है BU, CU, VPAT, तो क्या होगा? खराब वाला मशीन जो पीठासीन पदाधिकारी के पास है उसको सेक्टर पदाधिकारी रख लेंगे और अच्छा वाला मशीन दे देंगे। लेकिन जब एक्चुअल मतदान प्रारंभ हो गया, एक भी वोट हो गया, उसके बाद अब जो खराब है वो भी कहाँ रहेगा? पीठासीन के पास ही रहेगा। साथ में जो हमारा सही यूनिट, जो
सेक्टर ने दिया वो भी रहेगा, और अंत में जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो पहले वाला जिसमें वोट पड़ा था वास्तविक मतदान, एक भी वोट क्यों ना पड़ा हो, वो भी मशीन, और साथ में नया जो मशीन दिया गया सेक्टर पदाधिकारी जिसमें फिर वोट पड़े बाद में, वो सारा का सारा ला करके पीठासीन पदाधिकारी गश्ती दंडाधिकारी के साथ जमा करेंगे।